वॉयेजर 1 का अंत होने वाला है। अपने शुरुआत के करीब 47 साल बाद वॉयेजर अपने अंत की ओर बढ़ रहा है, और आप मानेंगे नहीं पर आज की डेट में यह स्पेसक्राफ्ट इतना दूर जा चुका है कि जहां जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को एक सिग्नल पहुंचाने में केवल 5 सेकंड का समय लगता है, तो वहीं वॉयेजर 1 तक एक सिग्नल पहुंचाने में करीब 20 घंटे 33 मिनट लग जाते हैं, और इतना ही टाइम वहां से एक सिग्नल को वापस अर्थ तक आने में लगता है। जब वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च हुआ था तब मेरे और आपके पिता का बचपन चल रहा होगा, और आज एक पीढ़ी बीत जाने के बाद भी इस मिशन का एक्टिव होना बताता है कि ये अपने साथ कितनी बड़ी लेगेसी बियर करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कॉस्मोस का शैतान हमारे इसी लेगेसी को खत्म करता जा रहा है, और वॉयेजर 1 धीरे धीरे अपने अंत की कगार पर बढ़ता जा रहा है। अब आखिर क्या है वो रीजन जिसके कारण से वॉयेजर 1 की अंत होने वाली है, और क्या वॉयेजर इस बार इस इविल फोर्स से बच पाएगा? वेल, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो हेलो गाइज, मैं हूं कौशिक, और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। वॉयेजर 1 जब लॉन्च हुआ था तब वो फेल होकर धरती में क्रैश होने से बस 3.4 सेकंड्स पीछे रह गया था। दरअसल हुआ क्या था कि जब वॉयेजर 1 को 5 सितंबर 1977 के दिन लॉन्च किया गया था, तब लॉन्च के ठीक बाद उसके रॉकेट इंजन में कोई फॉल्ट आ गया था, जिस वजह से LR-91 नाम के प्रोपल्सन इंजन में 540 किलो प्रोपेलेंट होने के बावजूद सेकेंड स्टेज में इग्निशन स्टार्ट हुआ ही नहीं। वैज्ञानिकों ने बहुत ट्राई किया LR-91 को रिवाइव करने की, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाया, जिस वजह से वैज्ञानिकों को मजबूरन दूसरे कंपोनेंट के प्रोपेलेंट को बर्न करना पड़ा ताकि वॉयेजर 1 ऊपर जाना बंद ना कर दे और नीचे गिर ना जाए। अब जिस दूसरे कंपोनेंट से कंपनसेटरी प्रोपल्शन फोर्स ली गई थी, वहां के फ्यूल को मिशन के काफी बाद में यूज किया जाना था ताकि वॉयेजर को स्पीड बूस्ट दिया जा सके, मगर उस कंपोनेंट से भी उसका ऑलमोस्ट सारा फ्यूल खत्म कर दिया गया, और उसका फ्यूल खत्म होने के महज 3.4 सेकंड पहले वॉयेजर स्पेस ऑर्बिट में चला गया था। अब अगर किसी कारणवश 3.4 सेकंड्स ये ऑर्बिटल एंट्री डिले हो जाती ना, तो वॉयेजर को अबॉर्ट तक करना पड़ जाता और मानव इतिहास का इतना बड़ा हिस्सा चला जाता। एंड दिस स्टोरी प्रूव्स कि वॉयेजर 1 की कहानी शुरू से ही कितनी ज्यादा इंस्पिरेशनल और स्ट्रगल से भरी हुई थी। अर्ली स्टेजेस में इतना बड़ा एरर आने के बाद बहुत से लोग स्केप्टिकल हो गए थे कि ये मिशन कुछ साल भी चल पाएगा या नहीं, बट द रेस्ट इज हिस्ट्री। ना सिर्फ वॉयेजर 1 ने हमें जुपिटर और सैटर्न समेत आउटर प्लैनेट्स की पहली क्लोजअप इमेजेस दिखाई, बल्कि ढेर सारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स और मून की डिस्कवरी करने के साथ साथ 25 अगस्त 2012 के दिन इंटरस्टेलर स्पेस में घुसने वाला दुनिया का पहला मैन मेड ऑब्जेक्ट भी बना। अब देखो, सबसे बड़ी बात तो ये थी कि सिर्फ 5 साल तक के लिए ऑपरेशनली डिजाइन होने के बावजूद ये ऑब्जेक्ट्स आज नियरली 47 साल बाद भी एक्टिव बने हुए हैं। ये चमत्कार पहले किसी भी स्पेस मिशन में नहीं देखा गया था, और शायद दोबारा कभी देखा भी नहीं जाएगा, जिस वजह से ये मिशन और ज्यादा अनमोल बन जाता है। अब वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट इंटरस्टेलर स्पेस में घुसने वाला पहला मैनमेड ऑब्जेक्ट है, ये बात सुनकर जितना प्राउड फील होता है उतना ही ज़्यादा दुख भी होता है, क्योंकि इस स्पेसक्राफ्ट की मौत इंटरस्टेलर स्पेस में घुसने के बाद ही शुरू हुई है। दरअसल जैसे ही वॉयेजर 1 इंटरनल सोलर सिस्टम को छोड़कर इंटरस्टेलर स्पेस में घुसा, वैसे ही उस पर सोलर पार्टिकल्स के असर कम पड़ने लगे, और उसके ऊपर इंटरस्टेलर स्पेस की कॉस्मिक रेडिएशन हैवीली इंपैक्ट करने लगी, जो कई केसेस में सोलर रेडिएशन से भी कई गुना स्ट्रांग थी, जिस वजह से इस कॉस्मिक रेडिएशन के कांटेक्ट में आने के बाद से ही वॉयेजर 1 के बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स मैलफंक्शन करने शुरू हो गए। अब सोचो, एक तरफ इतने सारे लोगों को लगता है कि स्ट्रांग रेडिएशन सिर्फ हम इंसानों और जानवरों के लिए डैमेज कर सकती है, पर ये ऐसी पावरफुल चीजें हैं ना कि इससे स्पेसक्राफ्ट जैसी पावरफुल चीजें भी नहीं बच पाती, और स्पेस में यही रेडिएशंस और बढ़ जाती है। इनफैक्ट इसकी वजह से स्पेस पायलट्स एंड एस्ट्रोनॉट्स में स्पेस हेल्थ रिसर्च के अनुसार पता लगाया गया है कि इनमें ऐसे फैक्टर्स की वजह से एजिंग तेज हो जाती है। पता चला है कि बॉडी और सर के ऊपर के हेयर फॉलिकल्स की रीजनरेटिव कैपेसिटी भी कम हो जाती है, जिस वजह से एस्ट्रोनॉट्स के अंदर अर्ली हेयर लॉस का रिस्क भी बढ़ जाता है। अब ये एग्जैक्टली कैसे होता है, ये एपिजेनेटिक्स के थ्रू
पता लगाया जा सकता है। देखो, एपिजेनेटिक्स बेसिकली एक ब्रांच है बायोलॉजिकल साइंस की, जिसमें उन फैक्टर्स को स्टडी किया जाता है जो आपकी जीन्स के एक्सप्रेशन पर असर करती है, जैसे कि एनवायरनमेंट, लाइफस्टाइल और कुछ बिहेवियर चेंजेस। अब देखो, स्पेस में तो आपके जीन एक्सप्रेशन पर असर पड़ता ही है, लेकिन ये चीज अर्थ पर भी अप्लाई होती है, क्योंकि अगर आप अपने आसपास देखोगे तो जेनेटिक हेयर लॉस जैसी चीजें आजकल नॉर्मल लोगों में भी बहुत जल्दी डेवलप होने लगा है। अब मैं खुद जब इससे गुजर रहा था तो मैंने इस पर और रिसर्च करना शुरू किया, और तब ये पता चला कि जेनेटिक हेयर लॉस होता है बालों में DHT हार्मोन की सेंसिटिविटी डेवलप होने से, और ये सेंसिटिविटी तेज होने के कई कारण होते हैं, आज की लाइफस्टाइल, डाइट, स्ट्रेस एक्सेट्रा, जो एपिजेनेटिक्स से पता लगाए गए हैं। और चौंकाने वाली बात तो ये है कि इस बढ़ती प्रॉब्लम को आसानी से मैनेज किया जा सकता है, पर इसके अवेयरनेस बहुत कम है। अब देखो, क्योंकि ये प्रॉब्लम गहरी है, इंटरनल है, ये सिर्फ शैम्पू या फिर एक प्रोडक्ट से सॉल्व नहीं होगी, बल्कि इसके लिए 360 डिग्री ट्रीटमेंट लगती है, जो ट्राया एकदम अच्छी तरीके से प्रोवाइड करता है। इनके फ्री हेयर टेस्ट के थ्रू ट्राया पता लगाता है आपके हेयर फॉल का रीजन, स्टेज, टाइप, और उसके हिसाब से आपको दिया जाता है एक ऑल अराउंड हेयर ग्रोथ रूटीन। और ये किट डॉक्टर से अप्रूव कराकर भेजी जाती है आपको। ये प्रॉब्लम को रूट से सॉल्व करने वाले प्रोसेस की वजह से इनके 93% ने रिजल्ट देखे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें कुछ जेनेटिक हेयर लॉस के केसेस भी शामिल है। तो अगर आप भी हेयर लॉस से बचना चाहते हो तो ट्राया का ऐप डाउनलोड करके अपना फ्री हेयर टेस्ट लो, उसके बाद आपकी कंडीशन के हिसाब से अपना 1 मंथ कस्टमाइज्ड किट खरीदो, उसे यूज करो, और इससे 5 से 6 महीने में आपको विजिबल रिजल्ट दिखेगा। और मेरा कोड ATB20 यूज करने पर 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। सिंपली बिकॉज उन्हें इस लेवल की किसी चीज को फेस करने के लिए डिजाइन ही नहीं किया गया था। अब इसी का पहला मेजर इंपैक्ट हमें साल 2017 में देखा, जब वॉयजर के प्राइमरी थ्रस्टर्स फेल हो गए और खराब होने के साइंस दिखने स्टार्ट हो गए। अब वॉयजर 1 वैसे भी अपने थ्रस्टर्स पर कोई बहुत ज्यादा रिलाई नहीं करता था, लेकिन इस बात को जानने के बाद वैज्ञानिकों ने सोचा कि एक बार वॉयजर के सेकेंडरी थ्रस्टर्स को ऑन करके देखा जाए। एंड सरप्राइजिंगली वो सेकेंडरी थ्रस्टर्स जो दशकों से नहीं ऑन किए गए थे, वो एक बार में ही एक्टिवेट हो गए और प्राइमरी थ्रस्टर्स को कंपनसेट करने लगे। इसके बाद दूसरा इशू आया साल 2019 में, जब वैज्ञानिकों को वॉयजर 1 से रिलेटेड एक कठिन फैसला लेना पड़ा। असल में 1970 में जब दोनों वॉयजर स्पेसक्राफ्ट को डिजाइन और क्रिएट किया गया था ना, तब दोनों की ही पावर सप्लाई के लिए 450 वाट के रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स एज नोन एज RTGs को लगाया गया था, जो प्लूटोनियम 238 के डीके से पावर होते थे। अब इन जनरेटर्स में जब प्लूटोनियम 238 के डीके होने से हीट जनरेट होती है, तब ये जनरेटर्स उस हीट को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करके पूरे प्रोब को पावर सप्लाई करते हैं। अब चूंकि इस प्लूटोनियम के डीके होने की भी एक लिमिट होती है, जिस वजह से ये जनरेटर्स हर साल 4 वाट तक की एनर्जी जनरेट करते हैं। मतलब सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो आज ये अपने इनिशियल टाइम यानी कि 1977 के कंपैरिजन में 40-45% लेस पावर जनरेट करते हैं, जिस वजह से सारे इंस्ट्रूमेंट्स को उसी तरह पावर करना इम्पॉसिबल है जैसे पहले किया जाता था। एंड दैट इज वाई 2019 में वैज्ञानिकों को डिसाइड करना था कि वो ऐसे कौन से इक्विपमेंट की पावर कंजम्पशन को काटे कि इन दोनों वॉयजर स्पेसक्राफ्ट की लाइफ बढ़ाई जा सके। और दोस्तों, काफी देर तक डिस्कस करने के बाद उन्होंने फैसला किया कि वो वॉयजर 1 के कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स के हीटर्स बंद कर देंगे, और ठीक ऐसा ही किया भी गया ताकि एनर्जी बचाई जा सके। वॉयजर 1 को ज्यादा से ज्यादा समय तक सस्टेन करवाने के लिए एनर्जी से लेकर हीट तक हर चीज का इलाज और जुगाड़ किया जा रहा है। पर फिर नवंबर 2023 में वॉयजर 1 एक ऐसा दिक्कत फेस करने लगा जिसका शायद कोई भी जुगाड़ नहीं था। करीब नवंबर 2023 से वॉयजर का फ्लाइट डेटा सिस्टम एज नोन एज FDS बड़ी अजीब तरह से एक्ट कर रहा है। FDS को आप एक तरह से वॉयजर का कंप्यूटर मान सकते हैं, जिसके 3 सब पार्ट्स होते हैं। अब दिक्कत क्या है कि FDS का जो हिस्सा अर्थ से डेटा या कमांड रिसीव करता है, उस कमांड को रिसीव करने के बाद एग्जीक्यूट करता है, वो तो बढ़िया से चल रहा है, मगर इश्यू आ रहा है FDS के उस पार्ट में जो अर्थ पे वॉयजर द्वारा कैप्चर किए जा रहे डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसे TMU या फिर टेलीमेट्री मॉडरेशन यूनिट कहा जाता है। अब TMU आसपास के साइंटिफिक डेटा के साथ साथ प्रोब पर इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्थ और उसके स्टेटस को भी अर्थ पर ट्रांसमिट करता है, लेकिन बाइनरी यानी कि 0 और 1 के फॉर्म में। हालांकि रिसेंटली क्या हुआ कि TMU ने डेटा भेजना बंद नहीं किया, बल्कि उसकी जगह लगातार 1 0 और 1 का एक डिफाइनाइट पैटर्न ट्रांसमिट किया जा रहा है, जिसमें किसी भी तरह का डेटा एम्बेडेड नहीं है। पहले वैज्ञानिकों को लगा कि ये किसी तरह का ग्लिच होगा,
तब ये पैटर्न रिपीट हो रहा है। और इसी इश्यू को सॉल्व करने के लिए FDS को रीबूट किया गया और इसे इश्यू से पहले वाले स्टेट में वापस लाने की कोशिश की गई। नाउ फॉर्चुनेटली FDS रीबूट तो हो गया मगर इश्यू अभी भी रिजॉल्व नहीं हुआ था और TMU अभी भी वही गिबरिस डेटा धरती की ओर ट्रांसमिट करता जा रहा है, जिसके बाद वैज्ञानिक बिल्कुल क्लूलेस हो गए हैं कि अब वो करे तो क्या करे। अच्छा, इस इश्यू को सॉल्व करने में ना दो दिक्कतें हैं। पहली तो ये कि अर्थ से वॉयजर तक किसी भी सिग्नल को भेजने में करीब 21 घंटे का समय लग जाता है, मतलब कि एक राउंड क्वेरी रेजोल्यूशन के लिए वैज्ञानिकों को दो दिन ऐसे ही बिताने पड़ते हैं, जिससे कि जल्द से जल्द कदम लिया जा पाना अब इम्पॉसिबल हो चुका है। और दूसरा इशू ये है कि FDS का स्ट्रक्चर इतना पुराना हो रहा है ना कि उसके बारे में ज्यादा किसी को कुछ पता ही नहीं है। अब FDS के बेसिक मैनुअल में ना तो किसी ऐसे इशू का जिक्र किया गया है, ऊपर से FDS को डिजाइन करने वाली टीम का कोई ऐसा बंदा जिंदा भी नहीं है जो अपने डिजाइनिंग एक्सपीरियंस से इससे रिलेटेड कोई हिडन डिटेल बताकर इश्यू को रिजॉल्व कर सके। इन शॉर्ट, वॉयजर ने हमें अपना पावरफुल डेटा देना बंद कर दिया है और शायद हमेशा के लिए, क्योंकि वैज्ञानिक लगातार तुक्का लगाते हुए इंपॉर्टेंट स्टेप्स और इनिशिएटिव्स ले तो रहे हैं मगर 4 महीने बीत जाने के बावजूद आज भी कुछ काम नहीं बन पा रहा है। और हो सकता है कि वॉयजर अब बस इनफाइनाइट स्पेस में ह्यूमैनिटी की निशानी बनकर ही घूमता रहेगा। नाउ इन केस कनेक्शन वापस से एस्टैब्लिश हो गया और वैज्ञानिकों ने इसकी लाइफ को और घसीट भी दिया, तो भी दोनों वॉयजर्स को हद से हद तक 2036 तक ही कम्युनिकेट किया जा सकेगा, क्योंकि साल 2036 के बाद दोनों ही वॉयजर स्पेसक्राफ्ट DSN यानी कि डीप स्पेस नेटवर्क के बियॉन्ड चले जाएंगे। आसान भाषा में, इंसानों की कम्युनिकेटिव मैक्सिमम डिस्टेंस से दूर हो जाएंगे, जिसके बाद इन्हें कभी भी रिट्रेस किया भी जा पाएगा या नहीं इसके चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है। तो दोस्तों, ये है अंत मानव इतिहास के सबसे गौरवशाली स्पेस मिशन की, जो आज से 300 साल बाद ऊट क्लाउड के अंदर घूम रहा होगा और 40,000 साल बाद किसी और स्टार सिस्टम के पास से उड़ रहा होगा। मगर आपके हिसाब से क्या हम फ्यूचर में कभी इतने डेवलप हो पाएंगे कि इंटरस्टेलर ट्रैवल करके वॉयजर को रिट्रीव कर पाएंगे? मतलब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई ना तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अब अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपको ये वाली वीडियो भी डेफिनेटली पसंद आएगी, जिसमें हमने वॉयजर स्पेसक्राफ्ट में यूज किए गए सॉफ्टवेयर के बारे में बात किया है। आखिर वॉयजर स्पेसक्राफ्ट में यूज किया गया सॉफ्टवेयर क्यों इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और जहां आज हमारे स्मार्टफोन्स जिसमें इतने ज्यादा रैम और गीगाबाइट ऑफ स्टोरेज होता है वो भी बिल्कुल 3 साल के बाद एकदम स्लो हो जाता है, हैंग करने लगता है, तो वहीं पर वॉयजर के अंदर का कंप्यूटर सिस्टम इतना एडवांस कैसे बना हुआ है कि वो 47 इयर्स के बाद भी हैंग नहीं कर रहा? आखिर वो क्या राज है इनके सॉफ्टवेयर सिस्टम का? इस वीडियो को जाकर देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।